एग्जाम नजदीक है लेकिन अभी तक आपने तैयारी नहीं की। एग्जाम नजदीक है लेकिन आपको समझ नहीं आ रहा कि सिलेबस आपका कैसे कंप्लीट होगा। एग्जाम नजदीक है लेकिन समझ नहीं आ रहा कि आखिर एग्जाम की तैयारी कैसे करें। नमस्कार दोस्तों, स्टडी पॉइंट एंड करियर चैनल में आपका फिर से एक बार स्वागत है। दोस्तों 2024 में होने वाले एग्जाम्स की तैयारी कैसे करें, आज का ये वीडियो आपके लिए काफी यूजफुल है। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं, चाहे वो स्कूल, कॉलेज या कोई भी एंट्रेंस एग्जाम ही क्यों ना हो, तो चलिए बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं कि 2024 में एग्जाम की तैयारी कैसे करें। अपनी परीक्षा की तैयारी करने के लिए कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को आपको जानना जरूरी है, चलिए इन्हें देखते हैं। सबसे पहला है पढ़ाई करने के लिए टाइम टेबल बनाना। अब भले ही आप टाइम टेबल को ज्यादा महत्व ना दें, लेकिन यह बात तो आप गांठ बांध ले कि बिना एक अच्छे टाइम टेबल के आपकी तैयारी अच्छी नहीं हो सकती है। दोस्तों टाइम टेबल बनाने से हमें यह पता चलता है कि आखिर हमारी तैयारी कितनी हुई है, किस चीज की तैयारी हमें कब करनी है, सुबह उठकर रात को सोने तक इसके बीच में आपको क्या क्या करना है, यह सभी आपको अपने टाइम टेबल में लिखना है। साथ ही साथ आपको हर विषय के लिए अपने साथ एक एक्स्ट्रा टाइम भी बिताना होगा ताकि आप उस सब्जेक्ट को अच्छे से कवर कर सके, तो टाइम टेबल कहीं ना कहीं जरूरी तो है। नंबर दूसरा, सिलेबस की पूरी जानकारी रखना। अगर आपको क्या पढ़ना है ये नहीं पता तो कैसे पढ़ना है ये जानकर आपको कोई फायदा नहीं होने वाला। पढ़ाई शुरू करने से पहले आप अपने बोर्ड एग्जाम या फिर कोई भी एंट्रेंस एग्जाम का सिलेबस जरूर देखें। इसके जरिए आप अपने स्ट्रॉन्ग और वीक सब्जेक्ट में समय डिवाइड कर सकते हैं, यानी कि आपको यह पता रहेगा कि आप जिस सब्जेक्ट में स्ट्रॉन्ग है वह कितने दिन में आप पूरा कर लेंगे और जिस सब्जेक्ट में आप वीक है उसे पूरा करने में आपको कितना दिन लगेगा। इस तरह से टॉपिक वाइज आप हर तरह के सब्जेक्ट को सारे टॉपिक के अनुसार पढ़कर उन्हें कवर कर सकते हैं। पॉइंट नंबर तीसरा, रेगुलर पढ़ाई करना। दोस्तों यह तो बहुत ज्यादा जरूरी है। अक्सर देखा जाता है कि बच्चे बड़े उत्साह में पढ़ाई शुरू तो करते हैं लेकिन फिर बीच में पढ़ाई करना छोड़ भी देते हैं या फिर पढ़ाई करना कम कर देते हैं, जिससे कि उसका रिदम टूट जाता है। ऐसा करने से आपका जो टॉपिक है, यानी कि जिस टॉपिक को आप पढ़ते हैं, वह आप अगले दिन भूलते जाते हैं। एक दिन जब आप पढ़ने के लिए नहीं बैठते तो उसके अगले दिन भी आपका मन नहीं लगता। कभी भी आपने पढ़ाई की शेड्यूल को गैप ना करें। मेरा कहना यह है कि हर दिन आपके शेड्यूल यानी कि आपके टाइम टेबल में आपने जिस विषय के लिए जितना भी समय बांट रखा है उतनी पढ़ाई तो आपको करनी ही करनी है। दोस्तों पढ़ाई के क्षेत्र में कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी है, कंसिस्टेंसी यानी कि निरंतरता। पॉइंट नंबर चौथा, ध्यान केंद्रित करने के लिए फोन आदि को बंद रखें। अब यहाँ पे बात केवल फोन की नहीं है, हर वो चीज जो आपको पढ़ाई करते समय डिस्टर्ब करता हो उन्हें अपने आसपास भी भटकने ना दें। पढ़ाई के दौरान आपका ध्यान भटकाने के लिए आपका फोन सहित अन्य उपकरण भी आपका ध्यान भटकाते हैं। कोशिश करें कि आप अपने लिए एक ऐसा रूम या फिर एक ऐसा जगह चुनें जहाँ पर शोरगुल ना हो और बहुत सारी डिस्टर्ब करने वाली चीजें भी ना हो। इन सभी चीजों की वजह से हमारा मन पढ़ाई से हटता है या फिर हमारा ध्यान टूट जाता है, जो कि कहीं ना कहीं परीक्षा के दृष्टिकोण से काफी गलत बात है। इससे आपकी पढ़ाई और परीक्षा की तैयारी में काफी फर्क पड़ता है, तो कृपया इन चीजों को अवॉइड करें। अगला पॉइंट नंबर 5, ब्रेक लेकर पढ़ना। भले ही आपका एग्जाम बहुत नजदीक हो, आप कभी भी ऐसा ना करें कि लगातार 4 घंटे या 5 घंटे पढ़े जा रहे हैं वह भी बिना किसी ब्रेक के। यह बात समझ लीजिए कि इतना लंबा समय लगातार पढ़ने से भी आपका दिमाग इसे रख नहीं पाता और फिर अगले दिन आपको लगता है कि आप बहुत कुछ चीजें भूल चुके हैं और यह कहीं ना कहीं आपके लिए नुकसानदायक है। इसलिए सबसे अच्छा तरीका है कि हर 1.5 घंटे से लेकर 2 घंटे के बीच में 5, 10 या 15 मिनट का ब्रेक जरूर लें। अपने स्टडी रूम से बाहर जाएं, थोड़ा टहलें या फिर आप किसी परिवार के सदस्यों से बातचीत भी कर सकते हैं। इससे आप अपने दिमाग को फ्रेश कर सकते हैं, आपको विषय पढ़ने में ताजगी भी महसूस होगी। पॉइंट नंबर 6, लगातार एक ही विषय ना पढ़े। इस चीज से आपको खासकर बचना है। जब आप टाइम टेबल बनाए तो इस बात का ध्यान रखें कि एक विषय में लगातार 1 से 1.5 घंटे ही पढ़े। इससे ज्यादा एक विषय पर दिन में पढ़ाई न करें। इसके अलावा इस बात का ध्यान रखें कि आप एक हार्ड सब्जेक्ट के बाद एक इजी सब्जेक्ट को भी पकड़ें और फिर एक हार्ड सब्जेक्ट। ऐसे अल्टरनेटिव पढ़ने के साथ साथ आप अपनी पढ़ाई को स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। इससे आपका इंटरेस्ट भी बना रहेगा और विषय बदल बदल कर पढ़ने से मन भी नहीं उबेगा। यानी कि मान लीजिए आपको गणित का विषय बहुत ही अच्छा लगता है, आपको गणित बनाना काफी पसंद है, तो उसे 1 से 1.5 घंटा पढ़े, 1 से 1.5 घंटा मैथ्स बनाए, उसके बाद 5 से 10 मिनट ब्रेक लेकर आप अपना अगला विषय जो आपका आसान विषय लगता हो उन्हें पढ़ें। 1 घंटे पढ़ने के बाद फिर ब्रेक लीजिए और थोड़े हार्ड विषय को फिर से पढ़ना शुरू करिए। इस मेथड को फॉलो करके आप अपनी पढ़ाई में सुधार ला सकते हैं। पॉइंट नंबर 7, जो कि है लास्ट पॉइंट, और वो है डेली रिविजन करना। दोस्तों कहा जाता है रिविजन इज डिविजन। जब हम किसी भी दिन किसी टॉपिक को पढ़ते हैं तो हमें थोड़ी देर तक बहुत अच्छे से याद रहता है, लेकिन जैसा जैसा वक्त बीतता जाता है वह टॉपिक हमारे दिमाग से भी मिटता चला जाता है। यही वजह कि हमें हर टॉपिक को रिवाइज करना जरूरी है। इससे वह टॉपिक हमारे दिमाग में फिर से ताजा हो जाता है और इस बार वह बेहतर तरीके से याद हो जाता है। आपने देखा होगा कि बचपन की कई कविताएं आपको आज भी याद हैं। इसका सिंपल सा लॉजिक है, वो चीजें आपको बार बार सुनाई गई है
बार बार बताई गई है या फिर आपने उन चीजों को बार बार पढ़ा है और यही एक तरह का रिविजन होता है। तो दोस्तों ये थे कुछ टिप्स जो आपको 2024 के एग्जाम में होने वाले एग्जाम की तैयारी में काम आने वाली है। मैं उम्मीद करता हूँ कि वीडियो में बताई गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और जुड़े हमारे साथ, और इस वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, धन्यवाद।